Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये देखें, आज मैं आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखा रही हूँ। ये सारी मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी आज। मैंने एक वीडियो में पूछा था कि मैंने अपनी अलमारी का एक रैक दिखाया था जिसमें मेरी सारी ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स था। तो मैंने पूछा था कोई मेरी ज्वेलरी कलेक्शन में इंटरेस्टेड होगा तो मैं दिखाऊंगी। तो उस पर मुझे कमेंट्स आए थे कि जी अपनी ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करें हमारे साथ। तो ये जिन्होंने मुझे कहा था उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अब मैं आपसे अपनी ज्वेलरी कलेक्शन स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा नहीं है मेरे पास ज्वेलरी, बस थोड़ी सी है, तो जो भी है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मेरी शादी का सेट है, मेरी बारात वाले दिन का। तो ये मैंने अपनी बारात वाले दिन पहना था। मेरा रेडिश और शैम्पियन गोल्डन कलर में मेरा लहंगा था। तो ये मेरी बारात का सेट है। तो ये देखें जी, ये तब ये बहुत डिज़ाइन चला था, बहुत ही ज़्यादा। तो ये मैंने अपनी बारात पे पहना था। अभी तक 7 ईयर्स होने वाले हैं, 6 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, 7 होने वाले हैं। तो ये देखें जी, अभी तक ये बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ, बिल्कुल नहीं ब्लैक हुआ, सेम ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने अपनी बारात पे पहना था, उसके बाद मैंने अपने ब्रदर इन लॉ की अपने देवर की शादी पे मैंने पहना था ये साड़ी के साथ। मैंने इसको पहना था, साड़ी में भी मेरा यही कलर था तो मैंने ये साड़ी के साथ पहना था। सॉरी, साड़ी के साथ नहीं, ये मैंने मेहंदी के ड्रेस के साथ पहना था। साड़ी के साथ मैंने अपना गोल्ड का सेट पहना था। तो ये जी मेरी बारात का सेट है। ये इसका मांग टिक है ये, और ये इसके इयररिंग्स हैं इस तरह से, सेम जैसे वो मांग टिक है वैसे ही इयररिंग्स हैं इसके। और ये इसका इसका नेकलेस है। ये हो गया जी मेरी बारात का सेट। अब मैं आपको दिखाती हूँ वलीमे का। तो जी वलीमे का भी सेम टू सेम वही सेट था, इधर से भी कोई फ़र्क नहीं था। ये मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं ये देखा हुआ था। तो सेम टू सेम वही सेट था। तो ये मेरा वलीमे का, लेकिन ये है कि ये ग्रेश सिल्वर कलर में था, ग्रेश सिल्वर कलर में। ये इसके इयररिंग्स हैं ये दोनों, और ये इसका मांग टिक है, और ये इसका नेक पीस है। ये देखिए सेम वही डिज़ाइन है, और सिर्फ कलर का डिफरेंस है। ये ग्रेश सिल्वर है, वो शैम्पियन गोल्डन और रेड कलर में है। ये मेरे वलीमे का सेट है। ठीक है जी, ये दो हो गए। और मुझे ज्वेलरी का कलेक्शन रखने का शौक़ बहुत है, मेरे पास कलेक्शन है, लेकिन ये है कि मैं पहनती बहुत कम हूँ। पहनती सिर्फ मैं इवेंट्स पे, ईद वगैरह पे भी मैंने एक छोटा अपना गोल्ड का सेट ही पहना होता है, और वही मैं पहन के रखती हूँ ज़्यादा। तो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो सिर्फ मैंने कहीं शादी वगैरह पे जाना हो तो मैं मैच करके फिर पहन लेती हूँ। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसमें थोड़ा सा छोटा है तो मैं आपको इसके ऊपर दिखाती हूँ, इस वाले के ऊपर रख के। ये देखें, ये मैंने लिया था अपने ब्रदर इन लॉ की शादी पर, ये वाला सेट। तो ये ऐसे लाइट सा गोल्डन और बेबी पिंक कलर के, इसमें मैंने पर्ल्स लगवाए थे क्योंकि मैंने बेबी पिंक कलर की पेपलम पहनी थी और गोल्डन उस पर काम था। तो ये देखें जी, नीचे गिर गया मैं, एक सेकेंड। ये देखें, ये इस तरह से, ये ज़्यादा मेरी जो ज्वेलरी है मैंने जो बाय की हुई है ऑलमोस्ट सारी ही तकरीबन ये मैंने लाहौर से की हुई है सारी। लाहौर में मैंने कुछ लिबर्टी से की हुई है और कुछ मैंने रंग महल से की हुई है। तो ये वाला जो सेट है ये मैंने रंग महल से लिया हुआ है। जो मेरी बारात का सेट है वो भी मैंने रंग महल से लिया हुआ है। और वलीमे का तो इधर से था, उसका नहीं मुझे पता। तो
ये देखें जी, ये मैं इसमें साथ साथ ही इन्हें कवर कर लेती हूँ। इसका जो है ना बॉक्स वो छोटा है थोड़ा, तो ये मैं इसमें रख देती हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। ये मेरा बहुत ही मोस्ट फेवरेट सेट है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही एलिगेंट और बहुत डिसेंट चीज़ है ये। ये इस तरह से है, ये देखें ये चीज़, ये वाइट कलर में है, वाइट पर्ल्स के साथ बना हुआ है ये। और ये इसके एयरिंग्स हैं इसके साथ, ये वाले, और ये इसका नेक पीस है। ये भी मैंने लाहौर से ही लिया हुआ है। तो ये ऐसे इसकी जो लड़ियाँ हैं, ये हैं 1 2 3 4 5 6 लड़ियाँ, ये एक साइड पे हैं और 6 एक साइड पे हैं, ये इस तरह से। ये भी बहुत मुझे पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, वाइट कलर में है तो ये बहुत ज़्यादा डिसेंट भी है। अच्छा जी, ये तो होगी मेरी कलेक्शन सेट्स हैं जो मेरे पास, सॉरी एक ये भी है छोटू सा, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। तो ये देखें, इसके ये एयर स्टड्स हैं, इसके ये पर्ल्स निकल गए हुए हैं, तो ये इस तरह से है, इस तरह ये छोटे छोटे एयर स्टड्स हैं इसके, और ये इसका चौकर टाइप नेकलेस है। ये बहुत प्यारा इसका भी कम्बिनेशन है, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा जी, आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत कीमती है ये, इसलिए कि ये मुझे फरहान ने, मेरे बेटे ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, अपने बाबा के साथ जाके वो लेकर आया था। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही प्यारा है ये। ये देखें, इसका कलर रस्ट कॉपर सा कलर जो होता है ना, वो है रस्ट सा, और इसमें मैरून और ग्रीन कलर के इसमें छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं। ये देखें, ये इस तरह से, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने, अगर जब मैंने ये वेयर करना होता है तो मैं ये इस सेट के साथ ही वेयर कर लेती हूँ। इसमें काफ़ी रिजेम्बलेंस है, ये इससे मैच होता है काफ़ी इस सेट से। तो ये देखें, अच्छा जी, ये भी हो गया। अच्छा, एक और चीज़ रह गई है, ये मेरे पास है, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, ये इस तरह से है मेरे पास। ये मेरी एक लाजवंती का, मेरा शादी का फ्रॉक था लाजवंती ब्रांड का, तो ये उसके ऊपर ये लगा हुआ था, ये इस तरह से उसके ऊपर अटैच था। तो वो फ्रॉक तो अब मैं नहीं पहनती, तो ये मैंने उसके ऊपर से उतार लिया हुआ था कि ये मैं फारिया के किसी ड्रेस पे अटैच कर दूँगी, लेकिन फारिया को भी काफ़ी बड़ा है ये, लंबा है, तो ये फिर मैंने इस तरह भी रखा हुआ है। तो इसके पीछे ये सेफ्टी पिन्स हैं, ये अटैच भी हो जाता है और उतर भी जाता है, आप कहीं भी इसको अटैच कर सकते हैं और उतार सकते हैं, ये है इस तरह से। ये मेरी माला, उसको भी माला ही कहते हैं आई थिंक। तो ये मेरी माला है इस तरह से, ये मैंने खुद ऑर्डर पे बनवाई हुई है, ये मैंने अपने ब्रदर इन लॉ की शादी पे अपने, मैंने गोल्ड के सेट के साथ ये वेयर की थी। मेरी जो साड़ी थी उसका कलर ये मैरून कंधारी जो अनार का कलर होता है ना वो, और ये शैम्पियन गोल्डन सा काम है उसके ऊपर। तो ये मैंने खुद ऑर्डर पे वहाँ बनवाई थी लाहौर से, ये हमने लिबर्टी से बनवाई थी, सॉरी अनारकली से बनवाई थी ये मैंने। तो ये खुद सारा मैंने इसके अंदर कलर्स ऐड करवाए थे, और ये जो ब्रॉचेस हैं ये भी लगवाए थे। ये देखें, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही प्यारी है ये। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाकी ज्वेलरी जो है मेरी बहुत अच्छी कलेक्शन है, बैंगल्स की भी है और रिंग्स की है, इयर रिंग्स है, वो पार्ट टू में। अल्लाह हाफिज़।